हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिंगी पार्सल की रेसिपी, जो कि हम बिना ईस्ट बिना ओवन के बनाएंगे। इसको हम प्रेशर कुकर में इडली के सांचे में बनाएंगे। तो आप ये वीडियो हमारा एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जिंगी पार्सल खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आएंगे। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिंगी पार्सल बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी फिलिंग बनाएंगे, जिसके लिए देखिए हमने कढ़ाई गैस पर रख दी है। अब इसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो बटर भी यूज कर सकते हैं या घी भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑयल डाल देते हैं इसमें। तो दोस्तों, तेल हमारा देखिए गर्म हो गया। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। हमने एक बड़ा टमाटर छोटे छोटे पीस में काट के ले लिया है। आधा चम्मच नमक डाल देंगे कि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। देखिए टमाटर हमारा अच्छे से गल गया। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। हमने टमाटर इसके पहले डाला है क्योंकि टमाटर हमें गला हुआ चाहिए और प्याज हमें थोड़ा सा क्रंची चाहिए। तो हमने एक बड़ा प्याज भी डाल दिया है छोटा छोटा काट के। साथ ही हम एक शिमला मिर्च डाल देंगे। इसको भी हमने छोटा छोटा काट के ले लिया है। इसमें हम आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। दो तीन चम्मच हम इसमें टोमेटो सॉस डाल देंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमने 100 ग्राम पनीर ले लिया है छोटा छोटा काट के, इसको भी डाल देंगे। आप चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारी फिलिंग बनकर तैयार है। हम गैस को हम बंद कर देंगे और फिलिंग को ठंडा होने देंगे। तब हम मैदा अपना तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने एक बाउल ले लिया। इसमें 2 कटोरी हम मैदा डाल देंगे। दोस्तों, हम इसको बिना ईस्ट के बनाएंगे। इसके लिए हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है। उतना ही हम बेकिंग सोडा डालेंगे इसमें। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और ये 1 छोटी कटोरी हमने दही ले लिया, इसको डाल देंगे इसी में। और ये सारी चीजें अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक स्टिकी स्टिकी सा डो तैयार करेंगे। दोस्तों देखिए कितना स्टिकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको फिर से अच्छे से मारेंगे। इसमें हम 2-3 चम्मच ऑयल डालेंगे। दोस्तों देखिए, हमारा डो बनकर तैयार है। ये स्टिकी और सॉफ्ट है। अब चलिए इसका हम झिंगी पार्सल बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। दोस्तों, इसके
कि हम चार इसको हम चार भागों में डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह हमारी जो दूसरा आटा है उसके भी हम चार भाग कर लेंगे। चलिए तो इस लोई को हम पहले गोल गोल कर लेंगे। इसको हम बेलेंगे, इसे हमें बहुत पतला नहीं बेलना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमको इसको इतना बड़ा बेलना है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है। अब इसको हम ट्रायंगल का शेप देंगे। दोस्तों देखिए हमने इसे तीनों तरफ से मोड़ लिया है, इसको हम हल्का सा बेल देंगे। अब इसमें हम अपनी फिलिंग डालेंगे। इसमें एक चम्मच फिलिंग डाल देंगे, इसका एक एक कोना उठा के को अच्छे से दबा देंगे ताकि ये भरते समय खुले नहीं। तो दोस्तों देखिए हमारा ये चिंगी पार्सल बनकर तैयार है। इसी तरह दूसरा हम बना लेंगे। इसी तरह हम बाकी के सारे पार्सल बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे झिंगी पार्सल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध और चीनी लगा देंगे, ऊपर से ग्रीस करेंगे। ये देखिए हमने एक चम्मच दूध और थोड़ी सी चीनी ले ली है, तो इसको हम इस पर लगा देंगे ऊपर से। ऊपर से हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। आप जो है तो ऑरिगेनो और मिक्स्ड हर्ब जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब इनको हम इडली स्टैंड में रख देते हैं, हम उसमें आज बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए हमने इसको इडली स्टैंड में रख दिया है और इडली स्टैंड को हमने पहले ग्रीस कर लिया था। देखिए हमने इसके नीचे नमक डाल दिया है और ये कुकर में इस कुकर को हम 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे और हम इसका ढक्कन लगा देंगे बिना सीटी और बिना रबड़ के। 10 मिनट हो गए हैं, अब इसमें हम वो इडली का सांचा रख देंगे। इसको 20 मिनट के लिए हम एकदम लो फ्लेम में ढक के पकाएंगे। दोस्तों इसमें हमने सीटी और रबड़ नहीं लगाई है। दोस्तों 20 मिनट हो गए हैं, चलिए हम इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारे झिंगी पार्सल बनकर तैयार हैं। चलिए हम इनको थोड़ा सा बंद कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे झिंगी पार्सल ठंडे हो गए हैं और देखने में ये एकदम डोमिनोज स्टाइल लग रहे हैं। इनमें थोड़ा सा कलर नहीं उतना ज्यादा अच्छा आया है, लेकिन खाने में बिल्कुल वैसे ही है। तो ये रेसिपी आप घर पर जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।